What's up guys, this is Mohit Biz from Fit India. यार मैंने अपनी हर वीडियो ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ. 30-40 वीडियो हो चुकी है, मैंने सारी वीडियो ऐसे ही स्टार्ट करी है एंड ऑलमोस्ट 6000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. सो इट्स टाइम टू चेंज थिंग्स अप. सो जो स्टार्ट चेंज करते हैं, ठीक है, कैसे हो आप लोग? नहीं, कुछ क्रिस्पी चाहिए यार. What's up YouTube? नहीं, थोड़ा pretentious सा हो गया, नहीं मजा नहीं आया. कुछ देसी चाहिए यार, मतलब उससे अपनापन सा लगे. यार पैंचो भाई, ये ठीक है, इसमें थोड़ा अपनापन भी लग रहा है, मतलब दोस्तों में ऐसी बात होती है. सो अब से मैं अपनी वीडियोज ऐसे ही स्टार्ट करूंगा. क्या हाल है पैंचो, एंड यू गाइस हैव टू यूज योर ईयरफोन्स अगर आप घर पे देख रहे हो तो, अदरवाइज तो ठीक है. सो क्या हाल है पैंचो, दिस इज मोहित बिस फ्रॉम फिट इंडिया एंड इन दिस वीडियो वी गोना डू Q&A. आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उसको आंसर करूंगा, और मुझे ये वीडियोस करने में बहुत मजा आता है, मजाक नहीं कर रहा. इस वीडियो में ना कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं चाहिए, सीधा आके क्वेश्चंस पढ़ो एंड व्हाट यू फील जस्ट से इट. सो जो मैंने क्वेश्चंस पिक करे हैं वो वही क्वेश्चंस हैं जो आपने कमेंट्स या इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पूछा होगा. गेट लीन सीरीज के अराउंड के बेसिस पे मैंने वही क्वेश्चंस पिक करे हैं. सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो असलम खान ने पूछा है, जो बहुत लोगों ने पूछा है, वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे को जो दिखता है यूजुअली, दैट इज व्हाट जॉब डू आई डू, मैं कौन सी जॉब करता हूँ. एंड गाइज आई एम एन ऑडिट एसोसिएट एट अर्नस्ट एंड यंग, इट्स इन गुड़गांव, माय ऑफिस इज इन गुड़गांव एंड माय शिफ्ट टाइमिंग्स आर 11:30 to 8. दीज आर नॉर्मल शिफ्ट टाइमिंग्स, एक्सटेंडेड टाइमिंग्स भी होती हैं, बहुत मारते हैं मेरी, ये मजाक नहीं कर रहा. एनीवे ये क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विल यू चूज बिटवीन BCAA सप्लीमेंट एंड क्रिएटिन सप्लीमेंट. भाई अगर आप मेरे को फॉलो, ये क्वेश्चन पूछा है प्रतीक माने ने, एंड भाई अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने इतना क्लियरली बोला हुआ है क्रिएटिन इज अ मस्ट यूज सप्लीमेंट फॉर मी, एंड मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ. एंड BCAA आई थिंक इज अ लग्जरी सप्लीमेंट. मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल BCAA सप्लीमेंट के, बट आई थिंक मेरे गोल्स के अकॉर्डिंग और मेरे बजट के अकॉर्डिंग इट डजेंट फिट इन टू माई डेली सप्लीमेंट स्टैक, एंड मैंने वो कभी यूज़ भी नहीं किया है. एंड वट एवर आई हैव अचीव टिल नाउ इज विदाउट BCAA, बट आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट आई जस्ट डोंट थिंक दैट वो मेरे लिए करेंटली सूटेबल है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मच प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू टेक ऑन रेस्ट डेज. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्षित अरोड़ा. वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, जब आप ऐसे थोड़े हल्के से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो देखो, रेस्ट डेज पे यू आर नॉट ट्रेनिंग. रेस्ट डेज क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, जैसे यूजुअली हमारे लिए संडेज होता है, तो संडे को क्या हमारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का इंटेक सेम रहेगा जो हमारा वर्किंग डेज पे था, जो मतलब नॉर्मल डेज पे था? द आंसर इज नो, सेम नहीं रहना चाहिए. क्योंकि देखो, कार्बोहाइड्रेट आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो इसलिए ताकि आपको वो एनर्जी सप्लाई करे, ताकि आप अपना वर्कआउट अच्छे से कर पाओ. बट अगर आप अपना वर्कआउट कर ही नहीं रहे हो तो आपको मतलब उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, है ना? तो आपको कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करने चाहिए. लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करोगे तो आपकी टोटल कैलरी भी रिड्यूस हो जाएंगी और आपका डेफिसिट बड़ा हो जाएगा और आप ज़्यादा जल्दी वेट लूज करोगे, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड. सो टेक्निकली आपको कार्बोहाइड्रेट लूज करने चाहिए और उसको कंपनसेट करने के लिए फैट्स एंड प्रोटीन्स थोड़े से बढ़ा देने चाहिए. बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना बताऊँ, मैं कुछ चेंज नहीं करता भाई. मेरा मंडे टू संडे सेम मैक्रो प्रोपोर्शन रहना चाहिए, रहता है मेरा. मतलब जितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स मैं मंडे को ले रहा हूँ, उतना ही मैं संडे को भी लूंगा जब मेरा रेस्ट डे होता है. ये मैं क्यों करता हूँ पता है क्या, देखो मैं संडे को अपना कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस तो कर दूंगा, लेकिन मेरे को पता है मेरे को मंडे मॉर्निंग सुबह वर्कआउट करना है. तो अगर मैं संडे को कम कार्बोहाइड्रेट लूंगा तो मेरे को साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि मैं मंडे सुबह का वर्कआउट मेरा इफेक्ट होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं करता, मैं सेम रखता हूँ भाई. एंड मुझे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं उससे, तो मैं सेम रखता हूँ. एंड इफ़ यू वॉन्ट आप भी सेम रख सकते हो, अगर नहीं तो अपने कार्बोहाइड्रेट थोड़े से रिड्यूस करके एंड थोड़े से फैट्स एंड प्रोटीन्स बढ़ा दो, ताकि आपकी कैलरी सेम रहे, जितनी आप कैलरी रोज कंज्यूम कर रहे थे उतनी ही रहे, ठीक है? कैलरी नहीं छेड़नी, आप ऑलरेडी डेफिसिट पे हो. तो एक क्वेश्चन नंबर 3 था, वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस इन योर कट, हाउ टू नो दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पीयूष चौधरी. कि ये पता कैसे लगा कि हम कटिंग कर रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं? देखो, पहला पार्ट अपनी डाइट फिगर आउट करो, अपने मैक्रोस फिगर आउट करो, अपनी कैलरीज फिगर आउट करो, कितना खाना है, उसके बाद यू आर डूइंग इट, ठीक है? आप डाइट पार्ट कर रहे हो, अब आपको पता कैसे लगे आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं? ऑब्वियसली सब सिंपल है, अपना वेट वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर ट्रैक करो, हर 3 दिन में, हर 4 दिन में, हर वीकली बेसिस पे चेक करो कि आपका वेट कम हो रहा है कि नहीं. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट एग्जैक्ट मेजर जिससे आप पता लगा सकते हो. अगर ये आपके पास वेइंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन
क्या बोलते हैं शीशे के सामने खड़े होकर भी पता लग जाता है कि हाँ हम लीन हो रहे हैं कि नहीं, या फिर आप इंच टेप से अपनी वेस्ट साइज मेजर कर सकते हैं. बट ये दोनों चीज़ें ना तुक्के वाली हो जाती हैं, मतलब इसमें एग्जैक्ट नहीं आता, इसमें मज़ा नहीं आता इतना, मतलब पता नहीं लगता. वेट अपना ट्रैक करो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू नो दैट अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैंने अपना जो पहली वीडियो इसकी रिलीज करी थी गेट लीन की, इसमें लिखा था कि मैंने उसमें मैंने माय वर्स्ट लुक करके जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने दिखाया था मैं फैट हूँ, थोड़ा सा चबी विद लॉट्स ऑफ फैट ऑन माय बॉडी. तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई तू ऐसा ना इसलिए हुआ है क्योंकि तू ना रात को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया कि मैं रात को बहुत ज़्यादा 100+ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ, 100 grams प्लस. तो लोगों ने भाई बेइज्जती मार दी मेरी, कसम से ले ली थी मेरी कि भाई तू इतने ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है, ये वो ये, इसलिए तू मोटा हो गया, तेरे को अकल नहीं है कुछ. ठीक है, ऐसा लोगों ने बोला, एंड मैं नाम नहीं लेता क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था. तो भाई पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरी फिजिक में, मेरी बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, वेट गेन वेट लॉस, वो मेरी मर्जी से हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ तो ही वो हो रहे हैं, अदरवाइज उसके बस की नहीं है कि वो कुछ भी चेंज कर दे मेरी बॉडी मेरे से बिना बताए. ठीक है, देखो मैं मोटा हुआ, मैंने वेट गेन किया, वो डेलिबरेट था, वो मैं कर जान के कर रहा था, वो इसलिए नहीं था कि मैंने रात को कार्बोहाइड्रेट खाए, वो इसलिए क्योंकि मैं ऑल ओवर द डे बहुत ठूस रहा था इंक्लूडिंग रात को, एंड मैं कैलोरी सरप्लस पे था. ठीक है, इसलिए मैं मोटा हुआ, नॉट बिकॉज मैं रात को कार्बोहाइड्रेट खा रहा था. इसलिए मैं अपनी अभी कटिंग कर रहा हूँ, आई हैव लॉस्ट अराउंड 5 किलोज आई गेस, एंड अभी भी मैं रात को 70 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहा हूँ. तो आप यहीं गलत प्रूव हो गए हो. ऑलराइट, मैं आपको कोई डांट नहीं रहा हूँ, कोई मैं आपको कुछ ऐसे साइड नहीं कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ मुझे मत सिखाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. बट देखो मैं चाहता हूँ कि मैं इवॉल्व करूँ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, एंड आप भी इवॉल्व करो, आपको भी कुछ सीखने को मिले, अगर आप लोगों को कुछ पता है तो मुझे भी कुछ सीखने को मिले. ठीक है, तो इफ आई, ये बहुत बड़ा मिथ जो लोग मानते हैं, लोग बिलीव करते हैं कि रात को भाई कार्बोहाइड्रेट टच भी कर दो ना आप मोटे हो जाओगे, भाई रात को नहीं, रात को कैसे खा सकता, ये वाली ओवर एक्टिंग बहुत लोग करते हैं. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अपनी कैलरी डेली ट्रैक करो, अपने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स ट्रैक करो, उससे आपको पता लगेगा कि आप मोटे हो गए या पतले हो गए. रात को कार्बोहाइड्रेट का ऐसे भाई प्लीज प्लीज ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, कैन यू डाइट एंड लूज फैट विदाउट वेइंग योर फूड. देखो आपको पता है मैं अपना फूड वे करता हूँ, एंड ये बहुत से क्वेश्चन पूछा है कृष्णा ने कि अगर मैं नहीं करूँ अपना फूड ट्रैक, उसका वे ना करूँ, उसको वे ना करूँ, तो मेरे को क्या मैं फिर भी प्रोग्रेस कर सकता हूँ. द आंसर इज येस एंड नो बोथ. येस बिकॉज मैंने खुद पर्सनली काफ़ी लोगों को देखा है जिन्होंने प्रोग्रेस करी हो विदाउट फूड को ट्रैक करे, उनको वे करे बिना. एंड नो बिकॉज ये भाई तुक्के वाली बात हो जाती है. तुक्का आप अपनी इसमें बॉडी बिल्डिंग में नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना मुश्किल से इतना मसल बनाया अपना, यू स्पेंड ईयर्स ऑन बल्किंग अप, एंड देन जब आप कटिंग करते हो अपना फूड ट्रैक नहीं कर रहे आप, तो यू आर एट हाई रिस्क कि आप अपनी हार्ड अर्न मसल लूज करोगे. और मसल बनाने में इतना टाइम लगता है, और आप तुक्के के बेसिस पे अगर आप उसे लूज कर दो ना भाई, बहुत दुख होगा, मुझे दुख होगा आपके लिए, मजाक नहीं कर रहा. इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना फूड ट्रैक करो. 500 रुपये की मशीन आती है, उसमें कंजूसी मत करो, एंड वे योर फकिंग फूड प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक यू गॉट योर आंसर. येस बिकॉज मैंने देखा है कुछ लोगों को प्रोग्रेस करते हैं, उन्होंने भी तुक्का उक्का भेड़ा होगा, लेकिन उनका सही तुक्का पड़ गया थोड़ा सा, उनका भी एग्जैक्ट नहीं होगा, उनका थोड़ा सही पड़ गया, उनकी प्रोग्रेस सही बनी, फैट लॉस हुआ, मसल थोड़ा रिटेन कर पाए, बट सबके साथ ऐसा नहीं होने वाला. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, Are you losing strength and size in your cut? How to prevent that? ये question योगेश ने पूछा है, and it's a very good question. भाई इस बार लोगों ने बहुत सही से question पूछे हैं, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ लोगों को knowledge आ रही है, लोग educate हो रहे हैं. So ये question योगेश ने पूछा है, and देखो जब आप cutting करते हो ना, आप कम calories consume कर रहे हो as compared to जो आप bulking में consume कर रहे थे, and हाँ बस आप कम calories consume कर रहे हो, तो obviously आपके अंदर जान, आपके अंदर पावर, आपके अंदर एनर्जी कम रहेगी. तो ऑब्वियसली मतलब इसका ये मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ कम होगी ही होगी, स्ट्रेंथ कम होगी एंड साइज भी कम होगा. साइज का मतलब क्या होता है, अगर आपका बाइसेप 17 इंचेस था सपोज, अब आप कटिंग कर रहे हो तो वो 16 इंचेस रह गया, तो 1 inch कम हुआ ना. बट आप इसे नेगेटिव वे में क्यों देख रहे हो, क्या पता वो 1 inch जो कम हुआ वो फैट लॉस हुआ, आपके आर्म्स के ऊपर फैट था, वो फैट हट गया, तो इट्स अ गुड थिंग ना, आपके मसल्स रिवील हो रहे हैं, आपके मसल्स की डेफिनेशन और ज्यादा दिखेगी. तो इसको गंदे वे में मत लिया करो भाई, साइज कम हो जाता है, इसको ऐसे लिया करो फैट कम हो जाता है, विच इज गुड.
आपके मसल्स रिवील होंगे, ऑल ओवर आपका हाथ का साइज कम लगे, लेकिन आपकी मसल्स जब रिवील होंगे, कट्स दिखते हैं, मसल डेफिनेशन दिखते हैं, तो यू लुक गुड। सो हाँ, स्ट्रेंथ एंड साइज कम होता ही है कटिंग में। इसको प्रिवेंट कैसे करना है, लिफ्ट हैवी, बट उतना हैवी जितना आप कंट्रोल कर सको। लाइट वेट हाई रेपिटेशन चाहिए, जो कि आपका नहीं चलेगा, ये सब इसको साइड रखो। लिफ्ट हैवी विथ कंट्रोल फॉर्म, मतलब आप कंट्रोल कर पा रहे हो इतना हैवी वेट उठाओ, एंड टेक अ हाई प्रोटीन डाइट, कैलकुलेट योर फकिंग मैक्रोस एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। दिस इज द सीक्रेट, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाई आर यू कटिंग इन विंटर्स व्हेन इट इज रिकमेंडेड टू गेन इन विंटर्स। ये क्वेश्चन पूछा है वैभव ने। ये भी भाई सही क्वेश्चन था, क्योंकि ना जिम में ना, जब मैं अभी विंटर्स में कर रहा हूँ जिम, एंड तो सब लोग पूछते हैं कि और भाई क्या चल रहा है, क्या कटिंग कर रहा है। हाँ भाई कटिंग कर रहा हूँ। भाई तू पागल है क्या भाई, सर्दियों में कौन कटिंग करता है भाई, सर्दियों मतलब गेनिंग, सर्दी में गेनिंग ही होती है। लोग मुझे ऐसे लिटरली बोलते हैं, बहुत लोगों ने बोला मेरे को ना, मैं काउंट भी नहीं कर सकता कितने लोगों ने बोला जिम में मेरे। बट मेरा लॉजिक क्या है, देखो भाई, लोग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि सर्दियों में ना आप इतना स्वेट नहीं करते हो, इतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती आपकी, तो इट्स ईजियर टू गेन। ठीक है, मैं आपकी कुछ पॉइंट तक बात मान रहा हूँ। अब मेरा लॉजिक भी सुन लो, बड़ा फाड़ो लॉजिक है। देखो, सर्दियों में आपको ना ज़्यादा कपड़े पहने होते हैं और पूरा आपकी बॉडी कवर्ड रहती है, आपने जैकेट पहन ली, शर्ट पहन ली, उसके ऊपर जैकेट पहन ली, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब आप कटिंग करोगे, आपका साइज कम होगा ना, तो आप जैकेट वैकेट पहन के रहोगे, तो आपको पता, किसी को पता नहीं लगेगा कि आपका साइज कम हुआ है ना, क्योंकि आपने इतने सारे कपड़े पहने। तो आपको साइकोलॉजिकली ये इफेक्ट नहीं होता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बट अगर आप समर्स में कटिंग करोगे, तो आपका साइज कम होगा, आप टी शर्ट में वो दिखेगा, तो लोग बार बार बोलते रहेंगे वो साइज कम हो गया, साइज कम हो गया, तो आपको साइकोलॉजिकली हिट करता है, जो आपकी कटिंग में इफेक्ट कर सकता है। तो मैं उल्टा करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्दियों में कटिंग कर रहा हूँ ताकि किसी को दिखे ना कि मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो एंड आई एम हैप्पी। एंड समर्स में मैं गेन करता हूँ ताकि मेरा साइज भाई पूरा तगड़ा हो जाए, एंड जब भाई साहब फट के टी शर्ट से बाहर आता है, तो सबको सब भाई क्या सही हो गया बंदा। तो मैं इसलिए करता हूँ भाई, मेरा लॉजिक मैं मानता हूँ कि बहुत सही है, एंड आप भी लोग एग्री करोगे भाई इस बात से, ठीक है। तो क्योंकि लोग जब आपके एक बॉडी में कमेंट करते हैं ना, भाई साइज कम हो गया ये वो, तो यार थोड़ा सा बुरा लगता है यार, उनको तो अक्ल है नहीं वैसे लोगों को, उनको क्या पता कटिंग गेनिंग क्या होता है बाहर के लोगों को, लेकिन हमें तो भाई देखो दुख तो होता ही है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ ताकि लोगों के ओपिनियन मेरे पे इफेक्ट ना करें, ये मेरा लॉजिक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 इज, हाउ मच वेट लॉस इज कंसिडर्ड फाइन पर वीक। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रतीक। बहुत सही क्वेश्चन है, एंड प्रतीक, पर वीक वेट लॉस मैं मानता हूँ 10% ऑफ योर बॉडी वेट इज फाइन। मेरा 80 किलो है सपोज, 10% 800 ग्राम्स। मेरा 80 किलो है सपोज, 10% 800 ग्राम्स। आई थिंक इट्स फाइन। 800 ग्राम के करीब आप लूज कर रहे हो, तो यू आर डूइंग गुड। उससे ज़्यादा कर रहे हो, उसका मतलब है कि आप बहुत कैलरीज आपने रिड्यूस कर दी अपनी, एंड विच माइट अफेक्ट यू, आप मसल लॉस हो सकता है आपका। एंड उससे कम कर रहे हो तो विच इज़ ऑल्सो फाइन, अगर आप 0.8 किलोग्राम्स मतलब 10% ऑफ 80 kgs 800 ग्राम, अगर आप 800 ग्राम से कम लूज़ कर रहे हो पर वीक, वो भी ठीक है, बट आप उसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखो, वेट लॉस कम हो रहा है इट्स फाइन, वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो देर आर हाई चांसेज दैट यू लूज योर मसल्स, तो इसलिए 10% तक आई थिंक इट्स फाइन। द लास्ट क्वेश्चन, एंड मेरे हिसाब से द बेस्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, इस क्वेश्चन से पता लगता है कि लोग मेरी वीडियोज़ कितने ध्यान से देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि द एक्सरसाइजेज दैट यू डू ऑन मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे डू यू रिपीट इट ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये क्वेश्चन पूछा है मानिक ने, मानिक पता नहीं क्या है, मैंने क्या लिखा हुआ है। तो देखो, मैंने बताया कि मैं वीकली हर बॉडी पार्ट दो बार कर रहा हूँ, मंडे को चेस्ट ट्राइसेप्स, ट्यूजडे बैक बाइसेप, वेंसडे लेग्स शोल्डर्स। तो उस मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है कि मैं मंडे ट्यूसडे का सपोज वर्कआउट दिखा दिया, तो बंदे के मन में डाउट आया, मानक जो भी है उसके मन में डाउट आया कि भाई जब मैं थर्सडे को वो वर्कआउट रिपीट करूंगा चेस्ट ट्राइसेप वाला, तो क्या मैं सेम एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो बहुत सही क्वेश्चन पूछा, एंड इसका आंसर है नहीं, मैं सेम एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सेम एक्सरसाइज नहीं कर रहा। एंड मेरे एक्सरसाइज जो है मैं अलग रखने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने उसी वीक में पिछले वर्कआउट में करी है, मैं चेंज करता हूँ चीज़ें। एंड इफ़ यू देखो, मैं इस सीरीज़ में आपको 3 वर्कआउट दिखाऊंगा, एक बैक बाइसेप का, एक चेस्ट ट्राइसेप का, एंड एक लेग्स एंड शोल्डर्स का। मैं 3 वर्कआउट दिखाऊंगा आपको यूट्यूब पे, एंड 3 वर्कआउट दिखाऊंगा हर बॉडी पार्ट के अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी दैट वर्कआउट, दोज अलग डिफरेंट वर्कआउट, देन यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैं आपको अपने वर्कआउट दिखाने वाला हूँ, एंड ऑल्सो
दो फुल डे ऑफ ईटिंग पूरे दिन की मैं दिखाने वाला हूँ. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू, बिकॉज मैं सेम टॉपिक पे डिफरेंट वीडियोज यूट्यूब पे डालूँ, उससे अच्छा मैं सीधा सीधा इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको दिखा दूँ. इसलिए आपको भी कन्वीनियंट होगा एंड मुझे भी कन्वीनियंट होगा. सो गाइज, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आई डी इज मोहित अंडरस्कोर बेस्ट, एंड या दैट्स इट. सो 10 क्वेश्चंस हो गए, एक और क्यू एन ए वीडियो मैं करूँगा एंड में सीरीज के. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो, मुझे फेसबुक पे पूछो, मुझे यूट्यूब के कमेंट्स पे ही पूछो. एंड थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देख के. नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आते हैं, उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ कभी कभार. भाई गाली देने का मन करता है, मतलब मन करता है भाई सुना दूँ, लेकिन थोड़ा सा तमीज़ में रहने की कोशिश करता हूँ. बट जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं मैं सबका रिप्लाई कभी नहीं कर पाता, बट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं. एंड I'll keep moving forward. I'll keep helping you. And that's it. I'll see you in the next video. And agli video ki start bhi WhatsApp pancho se hi hone wali hai. And ending nahi, ending achhi karte hain. Ending mein gaali wali nahi. Bye guys. I love you. I'll see you in the next video.